प्यारे बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक सर्गम में आपका अध्याय 9 चल रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 53-54 यानी 53-54 हम पढ़ चुके हैं। आप प्रश्न संख्या 55 और 56 हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या निकालिएगा 55। साधु राजा के दरबार में आए तो साधु ने राजा को समझाया कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होते हैं। और ये सही भी है, हमारे हमारी जो अंतरात्मा होती है उसी में होता है। हमारा मन जैसा क्या कहता है वैसा ही कार्य करता है। परमात्मा जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान का बोझा फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी। इस पूजे में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? यानी जो जिसे बेईमानी करने की आदत हो ईमानदार कैसे बन जाए? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूं। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर, भुजा मतलब कहां पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। यानी जो दुराचारी भी होगा वो भी सदाचारी होगा। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है। यानी बेईमानी का गला घोंट देती है और वो ईमानदारी पर आ जाती है। और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार और सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यानी कितना भी वो बेईमान हो इसको पहन करके वो सदाचारी हो जाता है, ईमानदार होता है। दरबार में हलचल मच गई। राजा ने पुष्प का कहा, महात्मन आपने हमारा संकट हर लिया, यानी हमारी जो मुसीबत थी वो आपने हर ली, दूर कर दी। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे मगर हमें लाखों ताबीज चाहिए। आप ताबीजों का एक कारखाना खोल लें और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। साधु को ताबीज बनाने का जिम्मा सौंप दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गई। साधु राज्य के अखबारों में खबरें छपी। सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा प्रसन्न थे। कहां तो बीमार हो रहे थे, चिंता हो रही थी कैसे भ्रष्टाचार मिटाया जाए राज्य में से। अब उनको एक सरल उपाय मिल गया। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा देखें कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर, मतलब राजा के वेश में न जाके एक साधारण से इंसान के वेश में कार्यालय पहुंचे। उस दिन दो तारीख थी, यानी डेट जो थी वो दो थी। एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। राजा एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उन्हें 5 करोड़ का नोट दे दिए। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, रिश्वत लेना पाप। राजा बहुत प्रसन्न हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गया। उस दिन 31 तारीख थी। पहले 2 तारीख में राजा गए थे, फिर 31 तारीख में, तो महीने का आखिरी दिन था। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया। इस बार कर्मचारी ने नोट लेकर जेब में रख दिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज नहीं बांध रहा है? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर, यानी अपनी जो शर्ट की बाजू थी वो ऊपर की, उसने ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा क्या हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। अध्याय समझ में आया बच्चों आपको? यानी पूरे महीने तक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था और लास्ट में उस ताबीज ने भी कह दिया कि आज तो 31 तारीख है, यानी महीने का अंत दिन, तो आज तो रिश्वत ले ले। यानी भ्रष्टाचार को सिर्फ हम किसी ताबीज से नहीं लगा सकते हैं। वो हमारी अंतर आत्मा की पुकार होती है, जो हमारा अंतर मन होता है। हमें सही और गलत का की पहचान कराता है।
उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो अध्याय बहुत अच्छा था, काफ़ी रुचिकर था, आप इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसके शब्द आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।